हेलो प्रिंस, नमस्कार। मैं हूं दीप्ति सिंह। माया किचन में आपको स्वागत है। आज मैंने बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूं, मटर पुलाव। और झटपट मिनटों में बन भी जाती है। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। सिंपल मटर पुलाव के लिए लिए मैंने 250 ग्राम बासमती राइस, जिसको मैंने आधा घंटे पहले भिगो के रखी हूँ, और कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले में लिए मैंने एक बेलिप्स, 4 टुकड़ा दालचीनी, 10-12 काली मिर्च साबुत, जीरा, 4-5 पीस लौंग, और लिया 3 साबुत लाल मिर्च, 2 इलायची जिसको मैं क्रश करके रखी हूँ, 1 बड़ी इलायची, और 1 कटोरी मैंने लिया है मटर, हरे मटर, स्वाद अनुसार नमक और ऑयल, और जरूरत के हिसाब से पानी। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिए। चाहो तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने कढ़ाई में ही बना दिए। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इस पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। चाहो तो आप देसी घी में भी बना सकते हो। ऑयल गर्म हो चुके हैं। अब इस पे मैंने बे लीव्स, लाल साबुत मिर्च, लौंग, दालचीनी के टुकड़ा, जीरा, मोटे इलायची, काली मिर्च। इसमें मैंने खड़े मसाले की इस्तेमाल किया। पुलाव में खड़े मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसमें मैंने मटर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे राइस। ऐसे भी सिंपल जीरा राइस, चाहे मटर के राइस, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अब इसको मैंने क्या करना है, अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक अब अपने हिसाब से देना। नमक दे के बहुत अच्छी तरीके से चला लेंगे। खड़े मसाला देने से क्या होता है, चावल में इसके सारा खुशबू आ जाएंगे। आपको बाद में गरम मसाला की कोई जरूरत नहीं होती है। अब इसमें डाल देंगे मैं पानी। जितने चावल लिए उसके डबल अब इसमें पानी देना है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। वाव, आप देख सकते हो कितने अच्छे मटर पुलाव बनके तैयार हो गया। हल्का से इसमें पानी है, इसीलिए मैंने 2 मिनट और ढक देंगे सीम आंच पे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मटर पुलाव बनके तैयार हो गया। अब चाहो तो इसके ऊपर घी दे सकते हो, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल ही सिंपल बनाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ इसको साफ करने। आप देख सकते हो खड़े मसाले के साथ झटपट मटर पुलाव बनके तैयार हो गया। इसके कलर भी कितने अच्छे आ रहे हैं, खाने में भी इतने स्वादिष्ट बनते हैं। सिंपल मटर पुलाव बनके तैयार हो गया। पुलाव से रिलेटेड और भी रेसिपी देखना है तो ऊपर दिए गए आइकन को क्लिक करना। मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। माया किचन को सब्सक्राइब करने भूलना मत।